अगला टॉपिक है डीएनए। डीएनए ये महत्वपूर्ण यानी स्ट्रक्चर है और डीएनए का जीवन में बहुत इसके वर्क हैं। जेनेटिक्स यानी पेरेंट्स पर पहुंचना, दूसरा क्राइम ब्रांच आदि आदि अन्य कार्यों में डीएनए का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग पढ़ते भी रहते हैं कि डीएनए का टेस्ट हुआ, उससे उनकी जानकारी हुई आदि। डीएनए के द्वारा ही बड़े बड़े यानी केस यानी सॉल्व हो जाते हैं, उसी डीएनए कहानी हम लोग सुनते हैं। आई स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें ये चार जोड़ी पेयर के रूप पर नाइट्रोजनी बेस हैं, ये कट के नीचे जो पॉइंट बना हुआ है इसी के नीचे चार बनते हैं। ए का मतलब एडेनिन, टी का थायमिन, सी का साइटोसिन, जी ग्वानिन। ए और टी के बीच डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के, और सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के लगते हैं। ये एस का मतलब शुगर है, एस का मतलब शुगर, पी का मतलब फास्फोरस। इसी तरह से यहाँ पर भी दो डंडे हो गया, ये शुगर होता है और ये नाइट्रोजनी बेस नाइट्रोजन क्षार। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक लूप होता है, एक लूप की लंबाई 34 अंगस्ट्रम, दोनों सूत्रों के बीच की दूरी 20 अंगस्ट्रम, दो पगडंडों के बीच की दूरी 3.4 अंगस्ट्रम। यहाँ ए का मतलब एडेनिन और टी का मतलब थायमिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, एस का मतलब शुगर, पी का मतलब फास्फोरस। ये डीएनए का एक लूप का ज्ञान प्राप्त होता है। डीएनए का जो सूत्र होता है, संपूर्ण सूत्र में 200 यानी 200 लूप पाए जाते हैं। तो जैसा एक लूप की संरचना होती है, आप बुक में और देखे होंगे तो फिर ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो एक लूप में संरचना बनती है वही संपूर्ण सूत्र में रहती है, इसलिए हम लोग एक लूप का चित्र बना करके और उसकी व्याख्या करते हैं। यही चीज़ आपको संपूर्ण लूप में पाए जाते हैं। तो ये चित्र ने बहुत सरल तरीके से आपको अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। परीक्षा में जल्दी बनता है, परीक्षा में समय अभाव और भी रहता है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए हमने ऐसा ही सरल चित्र ने एक लूप का बना करके आपको अध्ययन के लिए प्रदर्शित कर रहा है। डीएनए आपने देखा होगा, पहली बात तो यह है कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो डीएनए मुख्य रूप से यानी न्यूक्लियस, केंद्रक और माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट
अध्ययन करने से पहले हमको ज्ञान होना चाहिए कि भाई हम डीएनए का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो मिलेंगे कहाँ, अच्छे गुरु हमको मिलेंगे कहाँ। जब उनका स्थान मालूम होगा तब आप देखेंगे कि भाई डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, माइटोकांड्रियम पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में पाए जाते हैं। जब डीएनए आपको मिल गया तब डीएनए के बारे में देखते हैं इनको खोजा किसने, भाई किसने खोजा, किसी ने खोजा होगा यानी वाटसन और इनके प्रिय साथी क्रिक। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की खोज की। एक नंबर में बहुविकल्प के रूप पर आता है कि डीएनए खोज किसने की, वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की खोज की। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का मॉडल तैयार किया। इस विशेष कार्य पर इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या बताया कि डीएनए के संपूर्ण सूत्र में ही टू हंड्रेड लूप्स पाए जाते हैं, एक लूप की लंबाई 34 अंगस्टाम होती है, दोनों सूत्रों के बीच की दूरी 20 अंगस्टाम होती है, दो पगडंडों के बीच की दूरी 3.4 अंगस्टाम होती है। इस प्रकार एक लूप में पगडंडों की संख्या 10 होती है, एडिनिन हमेशा थाइमिन से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। और जब डीएनए के दोनों सूत्र विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं तो दोनों सूत्र खुल जाते हैं और खुल करके सीढ़ी के समान संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। डीएनए के सूत्रों के खुलने की क्रिया को अनजाइपिंग कहते हैं। डीएनए के सूत्रों के खुलने की क्रिया को अनजाइपिंग कहते हैं। जब सूत्र खुल जाते तो सीढ़ी के समान संरचना बन जाती और सीढ़ी जिससे खड़ी रहती उसे खड़े डंडे कहते, तो खड़े डंडे शुगर के बने होते और पगडंडे नाइट्रोजन बेस के बने होते, डीएनए सदैव दो सूत्र होता, का बना होता, परंतु 5x174 वायरस होता, विषाणु होता, इस विषाणु में ही डीएनए एक सूत्र का होता। ये एक नंबर पर आता है कंपटीशन में, विश्व ध्यान रखना, या बहुविकल्प के रूप पर आ जाएगा या अति लघु उत्तरी के रूप पर आ जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा यानी वायरस है, बैक्टीरिया है या किस जीव जंतु में डीएनए एक सूत्र का होता है। तो अगर याद होगा तो 5x174 बता देंगे, नहीं पता नहीं आप लोग क्या बताएं और जो इसके अतिरिक्त बताएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए सोच सोच करके, बहुत ही कंपटीशन पॉइंट हैं इस पर, बड़े विशेष रूप से नंबर एक इसकी खोज हो गया, नोबेल पुरस्कार कब मिला इन पर, एडेनिन थाइमिन के बीच हाइड्रोजन के डबल बांड, कुछ लोग बांड तो बनाते हैं पंदे ये लिख देंगे, बेस यानी चारों लिख देंगे, पंदे इनमें गिनती नहीं करते तो ऐसे 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 खिंचा देते हैं, तो ये खिंचा देंगे पता नहीं कौन सा, ये नकल वाले करते हैं, अकल वाले नहीं करते हैं। अकल वालों को तो ज्ञात रहेगा कि भाई ए और टी के बीच डबल बांड होगा, आपकी कापी से अगर कोई नकल करता है उनको ये ध्यान नहीं रहेगा। जैसे यहाँ ये चार पेयर हैं वो आराम से लाइन खींचता हुआ चला जाएगा, अब फिर टीचरों से कहता है कि सर जी उसको आपने दो नंबर दे दिए पूरे पूरे, अब हमने उसी का देखा था, देखो अपनी कमी बता रहा है, अब आपने हमको नहीं किया, हमको आधे नंबर दे दिया। अरे तुमने नकल तो किया परंतु अकल नहीं लगाया भाई, यहाँ पर ये चार पेयर हैं जोड़े के रूप पर हैं और यहाँ दो बाउंड होते हैं, थ्री बाउंड, जब टीचर समझाते हैं बच्चा मालूम चल जाता है कि चलो ठीक है भाई गलती है, परंतु घर में वो यही बताता है कि आचार्य जी हमसे नाराज़ थे, मेरा हमसे नाराज़ थे इसलिए हमारे नंबर काट लिए गए। अब डीएनए के वर्क यानी बहुत होते हैं, माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी यानी संतानों के पहुँचना
ये डीएनए का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है और इसमें क्राइम ब्रांच में भी सहायक होते हैं। इस तरह से डीएनए की संरचना और उसके वर्क, उसका मॉडल और इस पर क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा ध्यान देते हैं। डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक संरचना के बारे में भी अध्ययन करते हैं, यानी केमिकल कंपोजिशन भी कह सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है और इसको केमिकल कंपोजिशन भी कह सकते हैं, यानी किसके किसके मिलने से बन रहा है। तो इसमें रिएक्शन है, थोड़ा इसको याद करेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे? एडिनिन, एडिनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू प्यूरिन। दूसरा इस पर याद करेंगे थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन। तीसरा इस पर बनेगा प्यूरिन प्लस पायरिमिडिन, पायरिमिडिन प्लस शुगर प्लस फास्फोरस, फास्फोरस इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और चौथा इस पर न्यूक्लियोटाइड से फिर ये डीएनए निकलता है। ये केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए है, इनको याद करने का तरीका भी है। जैसे आपने चार छार देखे इधर, ठीक, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, और इनके चार से दो के मिलने से प्यूरिन बन रहा है, दो के मिलने से पायरिमिडिन बन रहा है। तो कैसे याद करेंगे? तो आप देख रहे हैं इसमें वाई 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 से वाई बनाई, अर्थात थाई साई आराम से पाई, थाई साई आराम से पाई और यही आराम से याद हो जाई। अब बिना वाई से, बिना वाई से, बिना वाई बनाई, तो प्यूरिन में वाई नहीं है, पायरिमिडिन में वाई है, तो वाई वाई वाले अलग कर देते तो वाई बन जाती, अर्थात थायमिन और साइटोसिन के मिलने से अब पायरिमिडिन बन जाती। अब बिना वाई से ही, बिना वाई बन जाती, प्यूरिन पायरिमिडिन दो मिल जाते, इसमें थोड़ा शुगर डाल देते, फास्फोरस मिलाते, और जब फांसते फेंटते रहते ये बड़ा टाइट बन जाता, और टाइट हो जाता तो न्यूक्लियोटाइड नाम पढ़ जाता, तो इसे कहते निकलो निकलो टाइड, तो डीएनए निकल आता, आराम से डीएनए मिल जाता, याद हो जाता। तो डीएनए में क्या क्या मिला, इस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, एक मिनट और रह गया है, कि डीएनए में क्या क्या मिलता है। तो डीएनए में एक शुगर होता है, डीएनए में यानी शुगर होता है, और ये शुगर जो है, इसका शुगर का नाम होता है, इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं, ठीक है। पांच कार्बन वाली शुगर होती है, डीएनए में एक नंबर में आता है कभी कभी, वो ध्यान रखना बाल को, ठीक। और प्यारी प्यारी बहनें आप भी ध्यान रखेंगे, यानी शुगर का नाम डीएनए में पेंटोस शुगर, ठीक है। और इसमें फास्फोलिपिड भी पाया जाता है, ठीक है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, ठीक है। और इसमें फास्फोलिपिड के साथ ये जो बेस यानी इसमें देखे चार, ठीक, चार होते हैं, चार, एडिनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन। इस तरह से एक एक नंबर में भी आ जाता है कि इसमें कैसी शुगर होती है, पांच कार्बन वाली पेंटोस शुगर, और क्या पाया गया है, फास्फोलिपिड्स, और क्या इसमें पाया जाता है, बेस में चार बेस होते हैं, एडिनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन। इस तरह से डीएनए का ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। सभी को थैंक यू, देखें।